बरेली में आया लव जिहाद का मामला, नाम बदलकर लड़की को झांसे में फंसाया, तिलक और कलावा बांधता था आरोपी। नोएडा में अवैध रूप से रह रहे 16 अफ्रीकी गिरफ्तार, सीपी लक्ष्मी सिंह के निर्देशों पर सत्यापन अभियान शुरू। बदायूं में किडनैप हुई नाबालिग लड़की, दिल्ली से बरामद रेप और धर्मांतरण की कोशिश। मुख्तार अंसारी के शूटर अंगद राय पर बड़ा एक्शन, घर पर हो रही कुर्की की कार्रवाई। नोएडा पुलिस ने बड़े फ्रॉड का किया खुलासा, फर्जी फॉर्म भरकर सरकारों को लगाया हजारों करोड़ का चूना, गैंग को पुलिस ने दबोचा। सोनभद्र में पुलिया के नीचे गिरी बाइक, 3 भाइयों की मौत, बारात जा रहे थे सभी। आज सुबह खोला गया यमुनोत्री हाईवे, मलबा आने से कल से बंद था हाईवे, जगह जगह रुके थे यात्री। यूपी में 20 दिन लेट आएगा मॉनसून, जुलाई के सेकेंड वीक में आने का अनुमान, 98% होगी बारिश। बिजनौर में युवक ने फांसी लगा किया सुसाइड, इलाज के दौरान मौत, घरेलू कलह से था परेशान। रायबरेली में कार के अंदर का अवैध असलहो का वीडियो, लोग बोले दहशत फैलाने के उद्देश्य से किया गया वीडियो वायरल, तुरंत गिरफ्तारी कर भेजा जाए जे। गाजीपुर में बेकाबू होकर चालक समेत पोखरे में जा गिरी ट्रैक्टर, युवक की मौत से परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। निकाह से इनकार करने पर थाने पहुंची प्रेमिका, दोनों पक्षों की पंचायत में हुआ ये फैसला, गोरखपुर का मामला। फिरोजाबाद में प्रेमी की प्रेमिका के परिजनों ने की पिटाई, पुलिस को सौंपा, प्रेमी की अभद्रता करने पर सीओ सिटी ने जड़े थप्पड़। बरेली में आज फिर लू का प्रकोप, 38 डिग्री तापमान और 14 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगी गर्म हवाएं। हरदोई में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने महिला से की छेड़छाड़, चिल्लाते हुई बाहर निकली महिला ने किया हंगामा। बस अड्डे पर कंडक्टर को पीट पीट कर किया अधमरा, 500 रुपए गुंडा टैक्स नहीं देने पर मारपीट, सवारियों को लेकर प्रयागराज जा रहा था। वाराणसी एयरपोर्ट की टॉयलेट से बरामद हुए सोने के 16 बिस्किट, करोड़ों की है कीमत, कस्टम विभाग ने पकड़ा। लखनऊ में मातृभूमि योजना का आज सीएम योगी करेंगे शुभारंभ, ग्राम पंचायतों को सीएम देंगे पुरस्कार। प्रयागराज में रिटायर्ड फौजी की पीट पीट कर हत्या, ओवरटेक करने के चक्कर में विवाद। सौतेली मां ने 20,000 रुपए में बेच दी बेटी, खरीदार ने की अमानवीय की हद पार, बरेली की घटना।